फ्रेंड गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके सामने ऐसा सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ जिससे शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए और आप ऑफिस टाइम पे पहुँचने लगे। तो आजकल आप देख ही रहे होंगे मेट्रो में फिर से लंबी लंबी लाइनें लगने स्टार्ट हो गई हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इन लाइनों को कैसे जंप करना है। वैसे आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे देखोगे तो सबको एक कॉमन प्रॉब्लम होती होगी कि बहुत लंबी लाइन है, बहुत वेटिंग है, धीरे धीरे एंट्री हो रही है। तो अगर आप अपने ऑफिस टाइम पे पहुंचना चाहते हैं और उस लाइन को जंप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखो कैसे उस लाइन को जंप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वैसे मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मैं मतलब शहीद स्थल एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ से मेट्रो लेता हूँ। वो फर्स्ट स्टेशन है गाज़ियाबाद का। सो उसमें बहुत लंबी लाइन रहती है। तो जैसे ही मैं आया गेट नंबर 1 और 2 पर बहुत लंबी लाइन थी। तो मैंने सोचा क्या करूँ, ऑफिस तो टाइम पर पहुँचना है। तो मैंने आसपास देखा, मुझे एक मतलब बाबा जी दिखाई दिए। तो मैंने बाबा जी से बोला, बाबा जी आप अंदर एंट्री क्यों नहीं ले रहे, मतलब सीनियर सिटीजन को तो अंदर आने देते हैं। तो वो जो बाबा जी थे वो बिहार से थे। और मतलब जितने भी लोग हैं बिहार से, मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप अपने जो पोते होते हैं उनका नाम गुड्डू ही क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा हमें एम्स जाना है। बाबा जी ने मेरे को बताया कि हमें एम्स जाना है लेकिन हमारा जो पोता है गुड्डू वो लाइन में लगा है। मैंने बाबा जी को बोला गुड्डू को बुला लीजिए, आप फ़ोन कर लीजिए, मैं आपकी एंट्री करवा देता हूँ। तो बस आपको ये बोलना है कि ये हमारे साथ में ही है। बाबा जी ने गुड्डू को फ़ोन लगाया, हेलो गुड्डू, अरे लाइन में लगने का ज़रूरत नहीं है, आ जाओ एंट्री हो जाएगा। तो मैंने कहा बाबा जी वहाँ ये मत बोलना मैं आपके साथ ही हूँ, मैं साथ ही मैंने आपकी एंट्री करवाई तो आपको बोलना ये भी मेरे साथ में है। तो बाबा जी ने कहा ठीक है डील डन। मैंने कहा बाबा जी चलो फिर करते हैं एंट्री, इतनी लंबी लाइन में तो नहीं लग सकते। गुड्डू थोड़ा सा ईमानदार टाइप थे, उन्होंने कहा नहीं बाबा जी आप एंट्री कर लो, मैं तो लाइन में लग के ही आऊँगा। अब पता नहीं गुड्डू को ऐसा लाइन में क्या मज़ा आ रहा था अलग सा। तो मैं ले गया बाबा जी को, मैंने गेट पे जो मेट्रो से जो भी एम्प्लॉई होते हैं उन्होंने, मैंने बोला सर एंट्री करवा दो, इनको एम्स जाना है अर्जेंट, डॉक्टर को दिखाना है। कहते हैं अच्छा। उन्होंने कहा चलो आ जाओ सर। तो मैंने बाबा जी का एक बैग पकड़ा और मैं बाबा जी के साथ चल दिया अंदर। जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने बाबा जी का बैग रखा, मैं तो निकल गया सीधा। तो मेट्रो का जो एम्प्लॉई बोलता है अरे आप अपने बाबा जी को पीछे छोड़ गए। मैंने कहा अरे वो आ जाएंगे गुड्डू के साथ। तो ये जो ट्रिक है ये मैंने जब लॉकडाउन, इससे पहले वाला जो लॉकडाउन था उसमें भी मैंने ट्रिक आजमाई थी। तो मैंने सेम चीज़ की, लेकिन मेरे टाइम उस वक्त क्या गलती हुई मुझसे, मैंने उनका बैग नहीं उठाया। तो अगर आप इस ट्रिक को अगर आजमा रहे हो तो ज़रूर ध्यान देना कि आपको जो साथ में जो सीनियर सिटीजन है उनका बैग खुद पकड़ के ले जाना है। तो मेट्रो एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ ये साथ में ही है। अगर आप मतलब ऑफिस बैग टांग के और बोल रहे हो मेरे साथ है, फिर वो आपकी एंट्री नहीं कराएगा, वो समझ जाएगा कुछ स्कैम है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ एक और, आपको पहले जिन सीनियर सिटीजन से भी आप बात कर रहे हो उनसे थोड़ा फैमिलियर होना है। आप उनका सीधा नहीं कि बैग उठा के और चल दिया और वो चोर चोर चिल्लाने लगे, तो ये भी नहीं करना है। ये दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। तो आजमा के देखो बताओ ये ट्रिक काम करती है नहीं करती है।